हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में जो कन्वर्सेशन के लिए था, इंग्लिश स्पोकन के लिए था, उसमें आप लोगों ने ये देखा था कि वैसे तो उसमें पूरे सेरिकुलम को मैंने दिखाया था, लेकिन खास तौर पर आप लोगों ने देखा था कि इंग्लिश बोलने के लिए चार तरह के सेंटेंसेस, अगर हम ग्रामर में ABCD नहीं जानते हैं, बहुत पुअर है हमारा ग्रामर, इसके बावजूद भी अगर हम चार तरह के सेंटेंसेस को मेमोराइज करें, खासतौर पर मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको गैप क्लॉजेज, उसका इस्तेमाल भी मैंने बताया था कब करें, रिएक्शन सेंटेंसेज, हाउ टू आस्क, और फिर जो चौथे टाइप का सेंटेंस था वो कॉमन सेंटेंस था, उन चारों का इस्तेमाल मैंने बताया था आपको। तो इस्तेमाल करने से पहले वो चारों तरह के सेंटेंसेज ऐसे याद हों, उसको मैं आपको वीडियो के माध्यम से उन चारों तरह के सेंटेंसेस को मैं भेजूंगा। तो उन चारों तरह के सेंटेंसेस को हम ऐसे याद करें कि वो हमेशा हमेशा के लिए याद रहे, और जब उसकी जरूरत पड़े कन्वर्सेशन में तो हम उसका यूज कर सकें। जैसे अब मैंने अब इस वीडियो में मैं चाहता हूं कि आपको कुछ जो टॉपिक्स हैं जिस पर आपको टॉक करने हैं अपने मित्र से या जिसे आप टॉक करना चाहते हैं उससे, तो वो जो टॉपिक्स है उन टॉपिक्स जो इजी टॉपिक्स हम मैं देने वाला हूँ, तो उन टॉपिक्स पर जब आप डिस्कस करेंगे तो स्वतः महसूस करेंगे जो कनेक्टिंग सेंटेंसेज हैं, जिससे आप अब जैसे मान लीजिए कि हम दो सेंटेंस दो क्वेश्चन याद कर लिए, पूछ दिए, दो आंसर याद कर लिए किसी क्वेश्चन का, वो पूछ दिए, तो बचपन से करते आ रहे हैं, वो टॉक नहीं है। टॉक क्या, टॉक है तो टॉक लगना चाहिए, टॉक दिखना चाहिए। तो टॉक कैसे दिखेगा, जैसे हम टॉपिक देने वाले हैं तो उन टॉपिक्स पर आप डिस्कस स्टार्ट कीजिएगा, तो उसके दौरान जब डिस्कस कीजिएगा तो उस दौरान आप गैप क्लॉज का इस्तेमाल कीजिएगा, जब तीन चार वाक्य कह करके रुक जाए तो उस वक्त उसका इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा आप रिएक्शन सेंटेंस का इस्तेमाल कीजिएगा, प्रश्न पूछने की जो वेराइटीज हैं, उसके जो टाइप्स हैं, बहुत से सेंटेंसेस जिसका यूटिलाइज करते हैं हम, उसको हम वीडियो के माध्यम से ही आपको भेजने वाले हैं उन चारों तरह के सेंटेंस का, और फिर कॉमन सेंटेंस का भी इस्तेमाल उस जो टॉपिक्स मैं दूंगा, और वो टॉपिक्स पर कैसे क्वेश्चन तैयार होंगे, कैसे उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, उस दौरान क्वेश्चन पूछने आंसर देने के दौरान आप इन चारों तरह के सेंटेंस यानी कि गैप क्लॉज, रिएक्शन सेंटेंस, हाउ टू आस्क और कॉमन सेंटेंस का यूटिलाइज कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले वाली वीडियो में चार वेराइटीज के जो सेंटेंसेज आपके सामने रखे गए थे, तो उन चारों ही प्रकार के वेराइटीज को ऐसे याद कर लिए होंगे कि आपके लिप्स पर होंगे, ये आपके दिमाग में या अंदर नहीं, आपके लिप्स पर, बिकॉज दो सेंटेंसेज आर एबंडेंटली यूटिलाइज इन आवर कन्वर्सेशन, एवरी डे कन्वर्सेशन, एंड वी मस्ट क्रिएट सच टाइप ऑफ कैपेबिलिटीज बाई विच वी कैन एक्सप्रेस ईच एंड एवरी थिंग फॉर एनी सब्जेक्ट मैटर बिफोर एनी बडी एल्स, डाउन टू डस्क वी मस्ट एक्सप्रेस आवर ओपिनियन एंड एज वेल एज एजुकेशनल टॉक, एवरी डे टॉक, टॉक्स रिलेटेड टू रूरल पीपुल, टॉक्स रिलेटेड टू अर्बन पीपुल, एंड ईच एंड एवरी टॉपिक शुड बी एक्सप्रेस, दिस टाइप ऑफ कैपेबिलिटीज शुड बी क्रिएटेड, एंड फॉर दिस यू मस्ट रिमेंबर ऑल दोज सेंटेंसेज, फोर टाइप ऑफ सेंटेंसेज विच वे आर पुट इन आवर प्रीवियस वीडियो। सो नाउ हाउ कैन वी स्टार्ट, हम शुरू कैसे करें, हम स्टार्ट कैसे करें, तो स्टार्ट करने के लिए टॉपिक तो चाहिए, और टॉपिक चाहिए तो उसके लिए आप लोग को मैं पहला टॉपिक आपके सामने कुछ टॉपिक शुरुआत में दिए जाएंगे, जिससे कि आपका जो माउथ पार्ट्स है वो इंग्लिश सेंटेंसेज के लिए सेट हो जाए, आदत पड़ जाए, हमारे मुंह को स्वाद लगा हुआ है हिंदी, मैथिली, भोजपुरी ये सब बोलने का, और अभी तक इंग्लिश सेंटेंसेज के लिए हमारा माउथ पार्ट्स, मुंह, जीभ, तालू, दांत, ये जिस सब सी चीज़ से बोलते हैं हम, वो सेट नहीं हुआ है। तो सेट होगा कैसे, तो कुछ कन्वर्सेशन करने पड़ेंगे कुछ टॉपिक्स पर इनिशियल स्टेज में, शुरुआती अवस्था में। तो मैं पहला टॉपिक आपके सामने रख रहा हूँ, और वो है आपको मेरा फेवरेट चीज़, माई फेवरेट थिंग्स, मेरा पसंदीदा वस्तु, जगह या पर्सन, इसमें क्वेश्चन आप पूछेंगे। लेकिन याद रहे, जब भी आप टॉक करेंगे तो उस वक्त यूटिलाइज होने चाहिए
गैप क्लॉजेज, रिएक्शन सेंटेंसेज, हाउ टू आस्क और कॉमन से, ये चारों तरह के सेंटेंसेज कब कब यूटिलाइज होंगे ये पहले के वीडियो में बता दिया गया है। मैं इस टॉपिक पर क्वेश्चन देखना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल देख लीजिए, हु का इस्तेमाल मनुष्य के लिए और व्हिच का प्रयोग मनुष्य छोड़ के बाकी चीज के लिए। जैसे आपके सामने क्वेश्चन रखा गया, ये देखिए आपका पसंदीदा डैश के जगह पर जो पूछना, व्हिच इज योर फेवरेट बुक एंड व्हाई, हु इज योर फेवरेट, अब हु बोल दिए तो निश्चित रूप से हम मनुष्य के बारे में बोलेंगे, तो हु इज योर फेवरेट टीचर, हु इज योर फेवरेट लीडर, हु इज योर फेवरेट प्लेयर, हु इज योर फेवरेट एक्टर, तो ये तो मनुष्य की बात करेंगे तो हु की बात करेंगे। और हम अगर मनुष्य छोड़ के बाकी, जैसे व्हिच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड व्हाई, अब यहाँ पर ये तो क्वेश्चन की बात हुई, अब आंसर इसका क्या करेंगे, आंसर में हु व्हिच के जगह पर बस इज माय फेवरेट डैश बिकॉज के बाद आपका जो अपना एबिलिटी है। जैसे सपोज क्वेश्चन पूछा गया कि व्हिच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, हमने जवाब दिया यस फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, अब यहां पर व्हाई भी पूछा गया है तो व्हाई का आंसर कैसे करेंगे, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू मी, आई लाइक इट, इट इज इंटरेस्टिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, जितना सक्षम जितना क्षमता हो, नहीं क्षमता होगा तो बिकॉज आई डोंट नो, सिंपली आई डोंट नो तो कह सकते हैं बिकॉज आई डोंट नो, व्हाट इज द रीजन आई डोंट नो, ये कह सकते हैं। अब अगर किसी प्लेयर के बारे में पूछा गया, हु इज योर फेवरेट क्रिकेट प्लेयर, आंसर करेंगे तेंदुलकर इज माय फेवरेट क्रिकेट प्लेयर बिकॉज ही प्लेड वेल, ही वाज वेरी गुड इन नेचर, जो कुछ रहेगा वो यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। तो एक टॉपिक ये हुआ, अब दूसरे टॉपिक आपके सामने मैं रख रहा हूँ और वो दूसरा टॉपिक आपको होगा इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, इन्वेंशन और डिस्कवरीज। देखिए ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत से टॉपिक दिए जाएंगे, ये दूसरा टॉपिक आपके सामने मैं रख रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन कैसे हो, जैसे आप जानते हैं कि पहले से जो चीज़ बनी है उसको, पहले से जो चीज़ है यूनिवर्स में या नेचर में और वो लोगों को पता नहीं है, पता लग जाता है तो उसको डिस्कवरी कहते हैं, और पहले से जो चीज़ नहीं है और उसका पता उसको लोग बनाते हैं, वैज्ञानिक या और कोई इंजीनियर या कोई बनाते हैं, तो उसको हम लोग इन्वेंशन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन कैसे होगा, हु इन्वेंटेड डैश व्हेन इट वाज इन्वेंटेड एंड व्हाट आर इट्स यूजेस। चलिए ये क्वेश्चन है, अब यहाँ खाली जगह पर जैसे मान लीजिए कि हमने यूटिलाइज किया बल्ब, बल्ब का मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब मीन्स इलेक्ट्रिक बल्ब, या दुनिया में हजारों चीज है जिस पर पूछे जा सकते हैं, यहाँ हु इन्वेंटेड बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब, अब यहाँ पर आंसर हमने दिया थॉमस एडिशन, अल्वा एडिशन इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब। चलिए इट वाज इन्वेंटेड इन 1883, चलिए 1880, इट वाज इन्वेंटेड इन 1883, चलिए इट हैज मेनी यूजेस, अब यहाँ पर आपका दिमाग काम करेगा, क्या करता है वो ये दिमाग में रहना चाहिए, पहले से वो करता क्या है, तो आपके दिमाग में रहेगा कि यह तो लाइट करता है, तो इट लाइट्स, अब क्या क्या करता है, हाउसेज, रोड्स, स्कूल्स,
कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स या जहाँ जहाँ देख कर सकते हैं। तो इस आधार पर चलिए, ये तो हुआ कि भाई अब एक सवाल आप लोगों के मन में होगा कि सपोज आपको पता है कि ये कब इन्वेंशन हुआ, इसका कौन किया, मुझे नहीं पता है। तो नहीं पता है तो ये तो हुआ पॉजिटिव आंसर। अब इसका निगेटिव आंसर क्या होगा, इसका निगेटिव आंसर क्या होगा, देखिए ये निगेटिव आंसर, ये पॉजिटिव आंसर हुआ, ये निगेटिव आंसर, क्या हम चुप हो जाएंगे? नहीं जाएंगे कि बल्ब का आविष्कार कौन किया, कब किया, हम चुप नहीं रहेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे, हम सीधे वहाँ पर यूटिलाइज करेंगे आई डोंट नो। ये तो सब लोग जानते हैं, एक छोटा बच्चा भी जानता है, तब क्वेश्चन जोड़ देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन जोड़ देंगे हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब। चलिए हमको, हम अगर हमको पता है कि 1883 में इसका आविष्कार हुआ, लिख दे सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं पता है कि इसका आविष्कार कब हुआ, तो फिर से हम इसी सेंटेंस को यूटिलाइज करेंगे, इवन आई डोंट नो व्हेन इट वाज इन्वेंटेड। चलिए, मुझे नहीं पता था, फिर भी हम चुप नहीं रहे, चुप तो रहना इसमें बिल्कुल मौत के बराबर है, पाप है, तो चुप नहीं रहे, निगेटिव आंसर किए। लेकिन यूज तो जनरली सब लोग जानते हैं, चाहे फ्रिज का हो, टीवी का हो, या बल्ब का हो, या मोटरसाइकिल का हो, स्कूटर का हो, किसी भी चीज़ का यूज़ तो सब लोग जानते हैं, बट इट हैज़ मैनी यूजेस। अब वहाँ पर आप ये इस्तेमाल करेंगे, इट लाइट्स, जो जहाँ 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 प्रकाश करता है वो इस्तेमाल करेंगे। ये दो टॉपिक मैंने रखा, और अगली वीडियो में और टॉपिक देंगे, और एक मंत्र सिखाएंगे कि अपनी बात को हम लंबा कैसे करें, अपनी बात को हम लंबा कैसे करेंगे, इसका मंत्र मैं आपको सिखाऊंगा अगले वीडियो में। वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगी, इसके बाद जो वीडियो होगी इसी पर मैं आऊंगा, इसी पर, और इसको हम आसानी से कैसे कह सकते हैं उस पर। अभी तत्काल आप लोग क्या करेंगे कि कन्वर्सेशन करने के दौरान इसको एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर लेंगे, और तब बेहतर होगा। थैंक यू।